एक विवाहिता की फांसी के फंदे पर झूलकर मौत हो जाने के बाद मायके पक्ष के लोगों द्वारा सुषमा पक्ष के लोगों पर हत्या कर सबको लटकाए जाने का आरोप लगाया गया है। सुषमा पहुंची पुलिस ने मृतका के सबको कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया है और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। पटना थाना कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार डॉक्टर कपूर वाली गली की है। यहाँ के रहने वाले तेज प्रताप वर्मा की 38 वर्षीय पत्नी नीता वर्मा का शव घर में ही फांसी के फंदे पर लटकता मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे ही घटना की जानकारी मृतका के मायके पक्ष के लोगों को हुई तो मायके पक्ष के लोग भी घटना स्थल पर पहुंच गए। मृतका पूजा वर्मा का मायका थाना घिरोल क्षेत्र में है, जिसके बाद मृतका के मायके पक्ष के लोगों की ओर से ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या कर सबको फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया गया है। मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने बताया है कि बीते कई सालों से पूजा वर्मा के ससुराली जन मायके पक्ष से संबंध खत्म करने का दबाव बना रहे थे और यहाँ कभी नहीं भेजते थे। जब भी मृतका मायके जाने की जिद करती थी तो उसका उत्पीड़न किया जाता था। वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष के लोगों ने आत्महत्या किए जाने की बात कही है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया है और सब परिजनों को सौंप दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। क्या घटना घट गई है? मेरी बहन को फांसी लगा के मार दिया है। किन लोगों ने मारा? तेजा मैनपुरी वाले मारे जिया जी। ये घटना आपको कैसे पता लगी? पता मेरे पास परसों फोन पहुंचा था तो वो जी कह रही थी कि ज्योति मुझे बुला लो, कहा तो ये मुझे आने नहीं दे रहे हैंगे। तो मैंने कही ठीक है आ जाओ, तो पैसे ऐसे थे नहीं उस पर, तो वो फिर मैंने उसे बुलाया तो आने नहीं दिया। तो जी कह रहे थे कि अगर तुम गई तो तुम्हारे दोनों बच्चों को मार देंगे। किन लोगों ने नहीं आने दिया? जिया जी ने और उनकी माँ ने और उनकी मौसी और उनके भांजे। अच्छा, ठीक है। आपको उन्होंने क्या क्या बताया फोन पे जब बात होती थी? फोन का उनको टॉर्चर करते थे, मारते थे उनकी।